आज़ादी के 74वें दिवस पर गोटेगांव के नवनिर्मित श्री धाम हॉस्पिटल में तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम में नगर के सभी गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया। वरिष्ठ समाजसेवी लखन बिलवार ने ध्वजारोहण किया। इस अस्पताल का शुभारंभ 17 अगस्त को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे, जिसके बाद गोटेगांव के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त गोटेगांव के हॉस्पिटल श्रीधाम हॉस्पिटल में आज़ादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 17 अगस्त को अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति करेंगे। आज़ादी के 74वें दिवस पर लखन बिलवार ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सभी ने देश की आज़ादी को बनाए रखने का संकल्प भी लिया। वहीं कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। गौरतलब है कि यह गोटेगांव का पहला अस्पताल है जिसमें इलाज की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मालती मुकेश बिलवार ने अस्पताल को बनवाकर उन मरीजों को एक बड़ी सौगात दी है जो इलाज के लिए बड़े शहरों में भटकते थे। इस अस्पताल के बनने से गोटेगांव के मरीजों को यही सस्ता और अच्छा इलाज मिल सकेगा। स्वतंत्र दिवस की नगर के समस्त नागरों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये दिनांक 17/8 को नगर को हम और हमारा परिवार विधवा परिवार सीधा हम हॉस्पिटल के नाम से एक सौगात देने जा रहा है, जिसमें हम चाहते हैं समस्त नगर के क्षेत्र के एवं विधानसभा के सभी लोग आमंत्रित हैं। सीधा हम हॉस्पिटल की ओर से मैं सभी को स्वतंत्र दिवस की और बधाई देता हूँ और सभी 17 तारीख में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज। अस्पताल ये पिछले पुण्यों का संचय है जो बिलवार परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया अस्पताल बनाने का। जी, अस्पताल दूसरा सेवा और समर्पण रहता है, तो सेवा समर्पण के लिए बिलवार परिवार को बहुत अच्छा चांस मिला है। जी। और गोटेगांव क्षेत्र के जो निर्धन और जो व्यक्ति बाहर नहीं जा सकते, तो सहज में ही जैसे इस परिवार का कार है उसमें हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। और गोटेगांव अपने पूरे जिले के लिए, और हम तो ये चाहेंगे यहाँ बड़े से बड़े हम कैंप जैसे अपोलो से या बाहर से जो मैजानता वगैरह से बुला के लाएंगे, तो गोटेगांव ने अपने पूरे नरसिंहपुर जिले के लिए सबसे अच्छा रहेगा। गोटेगांव के लिए यह हॉस्पिटल है खुन्ना मुकेश भाई द्वारा, जो इस बिलवार जी द्वारा हॉस्पिटल का जो शुभारम्भ यहाँ 17 को होना है, तो बहुत बड़ी गोटेगांव को सौगात मिली। जी, क्योंकि लोग यहाँ से जबलपुर नागपुर जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे लोग, समय पे पेशेंट पहुँच नहीं पाते थे, तो कई बार घटनाएं हो जाती थी, तो सबका लाभ यहाँ पर मिलेगा। अभी हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया, यहाँ गायनिक वार्ड भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं, बच्चों का भी बहुत अच्छा है, और आकस्मिक जो एक्सीडेंटल या अन्य कोई समस्या आती उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था ने बनाई, और 6 के 6 दिन मतलब 7 दिन यहाँ व्यवस्थाएं रहने वाली, जिससे हमारे क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत लाभ मिले। इसके लिए मुकेश भाई को बहुत बहुत पूरे परिवार को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने यह सेवा का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं।